आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नौठा काउथिंग पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास मेले के अंतिम दिन मेला स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी रही। मेला पंडाल में क्षेत्र की महिला मंगल दलों के आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मेले को चार चांद लगाया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के परियोजना प्रबंधक गिरीश डिमरी ने किया। मेला स्थल रामलीला मैदान आदि बद्री में आज सुबह से गाँव से लोगों का आना शुरू हो गया था। इस बार दो रोज पहले से ही यहाँ दुकानें सज गई थी। इन दुकानों पर जमकर खरीदारी कर रहे थे लोग। दूसरी तरफ मेला पंडाल में क्षेत्र की 20 महिला मंगल दलों के एक से बढ़कर एक कार्यक्रम में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि गिरीश डिमरी ने कहा कि यह महिला विकास का युग है। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं आज पुरुषों को पीछे छोड़ प्रगति के नए मानदंड स्थापित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे पहली बार महिलाओं के इस प्रकार के स्त्री कार्यक्रम को देख रहे हैं। मेला कमेटी के अध्यक्ष बीजीएस नवानी ने कहा कि मेले का मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति व लोक कला को संरक्षित रखकर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना, जो कि मेले के आयोजन से साकार हो रहा है। कार्यक्रम में महिला मंगल दल प्यूरा, बुंगा, नगली, मालसी, सियालकोट, रंडोली, भलसो, जूलगढ़, जैम, मैतोली, कांसुआ, हरगांव, थापली, खेती, डमकर आकर्षक कार्यक्रमों से लोगों का भरपूर मनोरंजन हुआ। मेला स्थल पर लगे इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून के निशुल्क चिकित्सा शिविर में 700 लोगों का चिकित्सा परीक्षण किया गया। रात्रि को नव हिमालय कला पंच अल्मोड़ा की टीम ने भी आकर्षक कार्यक्रम से खूब समा बांधा। न्यूज 9 भारत के साथ वीरेंद्र रावत के साथ सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। हरबरी धाम पर्यटन एवं विकास मेला 14 मई से 16 मई 2022 तक आज इसका समापन हुआ। यहाँ भव्य कार्यक्रम हुए। पर्यटन एवं विकास सांस्कृतिक विकास मेले के भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुए। 14 मई को जो है बाल कलाकारों बहुत प्रस्तुतियाँ दी है। सांस्कृतिक उत्तराखंड सांस्कृतिक विभाग से टीमें आई जो रात भर प्रस्तुतियाँ देती रहीं, और 15 मई को उत्तराखंड सांस्कृतिक विकास मेले की प्रस्तुतियाँ हुई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।